रामानंद सागर के हिट सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार रात मुंबई में आखिरी सांस ली। वह 82 साल के थे। इसकी पुष्टि उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने की। कौस्तुभ ने बताया, वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अरविंद त्रिवेदी का अंतिम संस्कार आज सुबह किया जाएगा। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाहें कई बार उड़ी, तब उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने ट्विटर पर उसका खंडन किया था और फेक न्यूज न फैलाने की अपील की थी। वहीं बीते साल एक बार फिर अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह फैली तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने उन अफवाहों का खंडन किया था। उसके साथ साथ परिवार के लोगों ने भी अफवाह फैलाने वाले को करारा जवाब दिया था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले अरविंद त्रिवेधी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पराया धन से की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा कई गुजराती फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान कायम की। अरविंद त्रिवेदी ने करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने रामायण के अलावा टीवी शो विक्रम बैताल में भी अहम रोल प्ले किया था। गुजराती सिनेमा में अहम योगदान निभाने के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले और गुजरात सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। एक्टिंग के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई थी। वो 1991 में गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर सांसद पहुंचे। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।